गाइस कैन बोर्ड ने आज ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस करी है नेपाल वर्सेस कनाडा वर्सेस ओमान का फिक्स्चर, और कल से जो है मैचेस स्टार्ट है। देखो ये मैच जो है नेपाल के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जैसे पहले भी कह चुका हूँ, और इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कनाडा क्रिकेट और ओमान क्रिकेट नेपाल को पीछे छोड़ गई है ना, नेपाल को ये जो जीत है 4 मैचेस की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेपाल क्रिकेट टीम अगर अगले महीने यूएसए जाना चाहती है, वैसे तो जाएगी नेपाल, और वहां पे जाके जीतना चाहती है, तो वो विनिंग वाली माइंडसेट नेपाल को चाहिए अभी से। और अगर आप मेरे से पूछो तो इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और नेपाल क्रिकेट टीम अगर ये T20I सीरीज जीत जाती है ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंट लेवल हमारे पास वापस आ जाएगा जो हमने अभी कॉन्फिडेंट खो बैठा है। अगर आप देखो नेपाल की टीम को तो अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है अभी नेपाल क्रिकेट टीम। खैर आज सुबह प्लेयर्स जो है वो घूमघाम भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कनाडा के अंदर जो है थोड़ा एंजॉय एंजॉय भी कर रहे हैं, तो एंजॉय करें। लेकिन ये मैं कहूंगा खिलाड़ियों से कि यार मैचेस ना भूले आप, क्योंकि अगले महीने आपकी यूएसए की सीरीज है, स्कॉटलैंड की सीरीज है, जिसके शेड्यूल जो है अनाउंस कर दी गई यूएसए की तरफ से। प्लस एक और चीज है यहाँ पे, जैसा कि आप सबने अभी कनाडा को ऑब्जर्व किया होगा, ये जो सीरीज हुई है ना नेपाल वर्सेस कनाडा वर्सेस ओमान का, इस सीरीज में कनाडा की जो टीम है वो एक मैच भी नहीं हारी है। ये काफी शॉकिंग है लेकिन ये रियल है। कनाडा ने नेपाल को हराया 2 मैचेस, कनाडा ने ओमान को हराया 2 मैचेस। लिटरली कनाडा क्रिकेट टीम जो है वो CWC में भी, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही खतरनाक तरीके से खेल रही है। तो कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम को आने वाले समय में अगर CWC के पॉइंट टेबल में मैचअप करना है इन सब टीमों के अगेंस्ट, तो आपको ये विनिंग वाली माइंडसेट चाहिए, और जो कल से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसको आपको जीतना है। जैसे भी करके जीतो आप, आपको जीतना है, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते हो और फिर ये हार लेके ही अगर आप वापस जाते हो यूएसए के अंदर, तो फिर एक तो फैंस को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है अभी कि नेपाल जीत भी पाएगी। अगर आप किसी भी फैंस से पूछो कि नेपाल क्रिकेट टीम क्या कनाडा ओमान को हरा देगी, वो कह रहे नहीं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ इंटेंट ही नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं कल से जो मैचेस स्टार्ट है उनमें नेपाल क्रिकेट टीम को इंटेंट दिखाना पड़ेगा, नेपाल क्रिकेट टीम को जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी उठाओ कुछ दिनों से, तो नेपाल क्रिकेट टीम बहुत मैचेस हार चुकी है, बहुत मेजर मेजर इवेंट जो है चांस मिस कर चुकी है। ऐसा नौबत आ गया कि ODI के स्टेटस पे जो है ना वो बात आ गई है अभी, अपनी ODI के स्टेटस पे बात आ गई है, समझ रहे हो ये चीज है। तो कम से कम आप यहां से जीतना स्टार्ट करो, यूएसए में जाके जो है आप वहां पे जीतना स्टार्ट करो, समझ रहे हो, और आने वाले CWC में आप ये जीत को कैरी ऑन करके जो है वो आगे जा सकते हो। क्योंकि यही एक उपाय है अगर आपको ग्रो करना है क्रिकेट में, तो यही एक रास्ता है, बाकी और कुछ है नहीं। उसके लिए खिलाड़ियों को भाई डिसिप्लिन होके गेम में रन्स बनाने पड़ेंगे, विकेटें निकालनी पड़ेगी, प्लानिंग को जो एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, समझ रहे, बहुत सारी चीजें जो है जिन पे काम करना है। आई होप मोंटी देसाई जो है वो इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे होंगे, ना कि भाई सिर्फ एंजॉयमेंट पे जो है वो ध्यान दे रहे। बाकी देखो दोस्तों नेपाल वर्सेस कनाडा का कल मैच है 28 तारीख को, 29 तारीख को नेपाल वर्सेस ओमान का है, फिर 30 तारीख को नेपाल का मैच जो है वो नहीं है, फिर 1 तारीख को नेपाल वर्सेस कनाडा का, और 2 तारीख को फिर नेपाल वर्सेस ओमान का है। लाइव को लेके अभी तक जो है कोई बातें नहीं चाहिए कि लाइव कहाँ देगा नेपाल का मैचेस, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फैनकोड वाला और कांतिपुर मैच था वो सिर्फ CWC के लिए था, ये वाली सीरीज को लेके लाइव कहाँ आएगी वो आपको जो है वो कल ही पता चलेगी। अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी यहाँ पे जो अपडेट है वो नहीं है कि नेपाल वर्सेस कनाडा और नेपाल वर्सेस ओमान का जो T20I सीरीज है वो लाइव कहाँ आएगी। वैसे ही मेरे को पता चलेगा लाइव के बारे में, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जीत के आने वाले टाइम के जो यूएसए वाली सीरीज है उसमें जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बड़ा इवेंट आप नहीं मिस कर सकते हो, समझ रहे हो। हालांकि नेपाल ये T20I खेलने के बाद नेक्स्ट भी T20I खेलेगी यूएसए के साथ 17 तारीख से, लेकिन फिर 24-25 के बाद जो है नेपाल के मेन मैचेस स्टार्ट होंगे। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जो ले जाना चाहूंगा।